रामचंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी ऐसा है जी, मैं मेरी उम्र 52 साल है जी। और मुझे कब्ज बहुत रहते, कब्ज नहीं जा रही जी। ठीक है। अच्छा देखिए, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, देखिए फिर बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए घर की चीज़ें, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, ये पांच चीज़ें आप 100-100 ग्राम खरीदें और इनको पाउडर बना लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा और धनिया, इनको पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें, काफ़ी बना लें, मतलब 100-100 ग्राम भी लेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। अब आप नमक जैतून लें। नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, जायके में हल्का सा कड़वापन या खारापन होता है, नमक जैतून। अब दो चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, दो चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिए का और मेथी का, इसमें मिलाकर रोज़ाना आधा घंटा पहले, खाने से पहले आप खाया करें। दिन में 2 बार आप ये अमल करते हैं तो आपको फायदा होना मुमकिन है। गाजियाबाद से जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद सर, स्वागतम। कैसे हैं सर? मैं बहुत बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत आपकी? बस मेरी तबीयत तो ठीक है, बस मिसेज की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपके बताए से दे रहा हूँ उनको जी। और मैम जरा ये मेरे 2-3 सवाल नोट कीजिए जरा। बिल्कुल बोलिए। हाँ, एक तो ये पूछना है हकीम जी से कि ये जो बताते हैं कि जैतून का नमक और धनिया का पाउडर, क्या हर आदमी को ले लेना चाहिए? इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि आजकल तो पेट का प्रॉब्लम जो है 50% लोगों को रहता ही है। और दूसरा ये पूछना था कि 25-26 साल का लड़का है, उसके आंखों में गर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है, तो ये मुंडी बूटी जो बताते हैं हकीम जी, क्या उनको दे दें वो मुंडी बूटी? दूसरा तो ये पूछना था जी। ठीक है। और ये हमारे मिसेज जो ये ले रहे हैं, गौंसिया जो ले रही हैं, तो इनको पहले भी बताया था कि उनको जगह जगह जो है पित्त जैसे जो है निकल आते हैं, तो खाने का सोडा दे देता हूँ मैं, तो उससे वो आराम हो जाता है और 1-2 दिन के बाद में फिर नए दूसरे निकल आते हैं, कभी कमर में, कभी गले में, कभी पेट में। अच्छा, तो ये कोई और दवा खा रहे हैं क्या आपकी मैसेज? कोई इंग्लिश दवा भी खा रहे हैं? नहीं, इंग्लिश दवा तो बिल्कुल बंद कर रखे हैं सर। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, और क्या सवाल भाई? सवाल तो ये 3 मैंने पूछा है, इसी के बारे में पूछना था कि ये जैतून का नमक जो है धनिया के पाउडर में मिला के, जैसे गैस का प्रॉब्लम है या और लीवर है या जो भी दिक्कत है, तो कोई आम आदमी भी ले सकता है इसे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसको कोई भी ले सकता है अपनी उम्र के अनुसार। 12 साल से जो है, 12 साल के ज्यादा के लोग 1-1 चम्मच तक ले सकते हैं, 2 बार धनिया पाउडर और नमक जैतून। ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है। और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है? गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, और भी पेट की सूजन हो, लीवर की सूजन हो, और क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाता है, उसमें गंदगी ज़्यादा हो जाती है जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस करानी पड़ती है हर हफ्ते, हफ्ते में 2 बार। तो ये इन रोगों के लिए और चर्म रोगों के लिए, चर्म रोगों में जिनको खुजली, दाने वगैरह वगैरह हो जाते हैं, या सोराइसिस, एक ऐसा मर्ज जिसका कहीं इलाज मिलना मुझे तो पता नहीं कहीं है कि नहीं है, लेकिन इससे सोराइसिस भी भगवान अच्छा कर सकता है। अच्छा, आप अपनी मिसेज को दूध से दें ये दवा, और अगर ज़्यादा मकदार में दे रहे हैं, तादाद में, तो थोड़ी कम कर दें।
इसकी खुराक आधा ग्राम है, और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजिए, और एक चुटकी सोडा रोज़ाना दे ही दिया करिए खाना इनको। और मुझे हैरत है कि कोई इंग्लिश दवा नहीं चल रही तो ये कैसे इनको पित्ती सी उछलती है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुमकिन है। और जी, तीसरा सवाल है, 25 से 26 साल का एक लड़का है इनका, जिनकी आंखें लाल रहती हैं, तो क्या उन्हें मुंडी बूटी दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। उनको एक मुंडी बूटी रोज़ाना एक हफ्ते तक खिलाइए और पानी पिला दिया करिए, आपके बच्चे के ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। मध्य प्रदेश से है रितेश, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरे पापा के लिए सवाल था, उनकी एज 60 है, तो उनके लिए जैतून का सिरका गोंथिया चल रहा है। हाँ। तो लेकिन उनको एक प्रॉब्लम होती है, दोनों जो मसूड़ों में उनको दर्द होता है बहुत भयंकर, लगभग 1-1.5 साल से। तो उसके लिए सर कुछ अच्छा बता दीजिए नुस्खा जो उनको आराम मिल जाए। तबीयत कैसी है वाली साहब की, तबीयत कैसी है आपके? अभी सर अभी तो इतना कोई रिलीफ नहीं है, दर्द तो है उनको कमर से लेके पैर में, और बीपी शुगर की प्रॉब्लम है। अभी मतलब 6-7 दिन ही हुए हैं अभी तो। अच्छा, 6-7 दिन में कोई बात नहीं, अभी तो फायदा थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, और फिक्र ना करें। और मसूड़ों के लिए अगर मल्टी विटामिन की कमी है तो उसका एक कैप्सूल आप दिया करें 3-3 दिन में, तो वो उससे जाएगी। और अगर वो ज़रूरत के मुताबिक हैं तो फिर एक बहुत आसान सा नुस्खा है। देखिए, ये जो पेट्रोल हम डालते हैं अपने स्कूटर में, ये पेट्रोल किसी कॉटन में लेके ऐसे अपने दांत में पर लगा के मुंह लटका लें, दिन में एक बार करना है ये बस, और 2-3 दिन करना है, उनके दांतों का दर्द अच्छा होना मुमकिन है। कैल्शियम का ख्याल रखें, हर हफ्ते कैल्शियम और मल्टी विटामिन का एक कैप्सूल ज़रूर दिया करें, और जब तक जीवन है जब तक दें। हम ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 40 के बाद हर शख्स को एक मल्टी विटामिन विद कैल्शियम एक कैप्सूल या गोली ज़रूर हर हफ्ते खानी चाहिए। जम्मू से हैं हरपाल सिंह, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद हरपाल जी, स्वागतम। हाँ जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी मिसेज के लिए गोंथिया मंगवाया था। जी, तो उनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, पूरी टांग में दर्द आता था। वो 15-20 दिन हो गया खाते हुए, तो उनको थोड़ा सा फर्क तो हुआ, लेकिन फिर थोड़ा ऐसे टांग बारी बारी लग रही है और नसें जो है खींच रही हैं। अच्छा, देखिए ये सब जो कुछ भी हो रहा है गोंथिया से ही हो रहा है, फायदा शुरू हो गया है, हो सकता है और नसें खींचे। जब ऐसा लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप 2-3 दिन 4 दिन दर्द की दवा दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो घबराना नहीं, ये गोंथिया जो है ना एक ऑपरेशन टाइप है, इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं लोग कमर का, और ये दवा भगवान ने ऐसी बनाई है कि ये बगैर ऑपरेशन के ही सबकी रिपेयर कर देती है। तो नसें की दबी हुई हैं कमर में, तो वो ऐसे सीधी होंगी, नसों में ताकत आएगी, तो यहाँ टांगों में ऐसा खिंचाव आएगा, और वो शिकायत भी करेंगी एक दो बार, तो परवाह नहीं करें। जब दर्द ज़्यादा हो तो दर्द की गोली खा लें, 2-4 दिन लगातार ले लें, ये ना छोड़ें। गोंथिया आधा आधा ग्राम खिलाएं, बहुत जल्द आपका फ़ोन आएगा मेरे पास, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि उनको फ़ायदा मुकम्मल तौर पर हो चुका है। एक आखिरी कॉलर है जिनसे बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम क्या है, जल्दी से सवाल कर लीजिए। मैडम जी, मेरा नाम लाखन है जी। वो क्या है, मेरी मिसेस के बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ। तो वो उपाय का पूछना था, क्या उनकी उम्र है? कितनी है उम्र उनकी? 28 से 30 साल। ठीक है जी।
जिन महिलाओं या पुरुषों के भी बाल झड़ते हैं या पिंपल्स निकलते हैं या अंडर एज है, हाइट नहीं बढ़ती है, उनके लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसे गौंद मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। ये गौंद मोरिंगा सफ़ेद नकली भी बहुत मिलता है, असली ले लें। 1 ग्राम रोज़ाना पानी दूध या नारियल पानी मिलाकर अगर उन्हें पिलाएंगे तो उनको फायदा होना मुमकिन है। गाजियाबाद से हैं विनोद सैगर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप बताइए। अच्छा। क्या सवाल है आपका? बढ़िया बढ़िया, और हकीम जी को भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। जय हिंद, आदाब, आप कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कॉल लग गई ही। जी 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 मैडम बताइए सर, अपना सवाल कर लीजिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पहला मेरा सवाल है कि जब मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। जी बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। सर टीवी बिल्कुल मत सुनिए, देखिए टीवी सुनेंगे तो बहुत देर में जवाब देंगे, टीवी मत सुनिए, फोन से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल है मेरा। हाँ। मैं जब कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। हाँ। तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। और जब मैं रात को सो जाता हूँ सुबह नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, लगभग 20 के करीब होने जा रहा है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। मैंने जो है आपके जो होम्योपैथी दवाई भी कराई है और वैसे भी दवाई कराई, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तीसरा सवाल? जी तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपका 200 है, 200 मेरे अभी टेस्ट कराया तो 200 है। ठीक है। अजी और चौथा सवाल एक और है मेरी मैडम का है, उनके पैर घुटनों में दर्द होता है। अच्छा देखिए, बच्चा को काफी लेट कर दिया, फिर भी कोशिश कर लीजिए। और गौंद मोरिंगा सफेद एक आता है जो असली लेना जरूरी है, नकली भी लोग बहुत बेचने लगे हैं। तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम बच्चे को पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे भी आपकी हैसियत है, हालात है, उस हिसाब से दीजिए। क्योंकि वो भी बहुत महंगा आता है ना, 40-50 रुपए का नारियल पानी, तो गरीबों के लिए पानी से ही काम चल जाता है, रईस लोग नारियल पानी में भी ले सकते हैं। ये उनको 2-3 महीने दीजिए, उनकी हाइट का पैमाइश कर लीजिए कितनी है, और फिर 2-3 महीने बाद देखना कितना उनको फर्क पड़ा। दूसरा सवाल, पैरों में स्वेलिंग रहती है जब भी ये पैर लटका के बैठते हैं। कैल्शियम की कमी चल रही है आपके अंदर, तो कैल्शियम की एक गोली हर उस आदमी को यूज़ करनी चाहिए जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम की गोली खा लिया करिए, ये स्वेलिंग आपकी अच्छी होने लगेगी। और कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ गया है उसके लिए सिरका लीजिए, कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर रोज़ाना, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रात को सोते वक्त पी लिया करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना मुमकिन है। पत्नी के लिए घुटनों में दर्द, घुटनों के दर्द का एक तोहफा है आवाम के लिए, जनता के लिए, ये मैंने घर घर तक इसको प्रचार किया और लोगों को बड़े फायदे हुए। गौंद स्याह नाम का एक गौंद आता है जिसे काला गौंद भी कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इसे लोग नकली बहुत बेचने लगे, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं तो मांगते हैं तो वो एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं लेना, या कोई और गौंद दे देते हैं जो चमकते हैं, शीशे की तरह चमकता हुआ गौंद दे देते हैं। ये जो गौंद स्याह है जिसे काला गौंद मैं कहता हूँ, ये चमकता नहीं है, लेकिन अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको असली, तो 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम लीजिए, 0.5 ग्राम सुबह दीजिए अपनी मैडम को, 0.5 ग्राम शाम को खाने के बाद देना है, पानी से देना या बगैर चर्बी के दूध से। ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि मरीज़ का ठीक होना मुमकिन होता है।